जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास टेंथ में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यानी 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप सभी जानते हो कि इस बार चित्रकला विषय में भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और जिनका आंसर आपको OMR शीट पर देना होगा। और OMR शीट भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर पहला विकल्प है रामलाल को, दूसरा विकल्प है संसार चंद्र को, तीसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर को, चौथा है विकल्प अमृता शेरगिल को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आ चुका हूं। और आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी चित्रकला विषय की, जिसमें मैंने चित्रकला विषय के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा दिया है, आप जरूर देख लेना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहां पर पहला है विकल्प यामिनी राय को, दूसरा विकल्प है संसार चंद्र को, तीसरा विकल्प है नंदलाल बसु को और चौथा है विकल्प अमृता शेरगिल को। तो आप आंसर कमेंट करके भी बताते रहिए। तो निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है संसार चंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है यहां पर, बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है। पहला विकल्प है यहां पर गगनेंद्र नाथ ने, दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा विकल्प है असित कुमार हलदार ने, चौथा विकल्प है शैलेंद्र नाथ डे ने। तो राइट आंसर क्या होगा कि बंगाल, क्या कह रहा है प्रश्न, बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है। यहां पर आप देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, असित कुमार हलदार ने। यहां पर राइट आंसर क्या है, असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह है जो प्राथमिक रंगों का समूह है। पहला है विकल्प लाल पीला नीला, दूसरा विकल्प है लाल पीला नारंगी, तीसरा विकल्प कह रहा है नारंगी हरा और बैंगनी, चौथा विकल्प है काला भूरा और सफेद। तो दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है, यहां पर आप देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक रंगों का समूह है पीला नीला और लाल, यानी यहां पर लाल पीला नीला ये सही हो जाएगा विकल्प। दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक रंगों का समूह है लाल पीला और नीला। अगला प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, पहला है विकल्प यहां पर भूरा, दूसरा विकल्प है बैंगनी, तीसरा विकल्प है यहां पर काला और चौथा है विकल्प लाल। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सफेद रंग का विरोधी रंग होता है काला। और यदि प्रश्न आ जाए कि काला रंग जो है और इस रंग का जो है विरोधी रंग क्या है, तो काले रंग का विरोधी रंग सफेद हो जाएगा। प्रश्न चाहे जैसे पूछे, आपको उत्तर याद रखना है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, काला है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था। यहाँ पर पहला विकल्प है दरबारी, दूसरा विकल्प है शिकारी, तीसरा विकल्प है घरेलू और चौथा विकल्प है धार्मिक। तो प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था, यानी किस विषय पर चित्र बनाए जाते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकारी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था। पहला विकल्प है यहाँ पर शाहजहां, दूसरा है विकल्प जहांगीर, तीसरा विकल्प है यहाँ पर अकबर और चौथा है औरंगजेब। तो मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है जहांगीर, मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक था। अगला प्रश्न कह रहा है निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का यहां पर पहला विकल्प है मुगल शैली के, दूसरा विकल्प है जैन शैली के, तीसरा विकल्प है पहाड़ी शैली के और चौथा विकल्प है राजस्थानी शैली के। तो निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे, यहां पर आप देखोगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली के। निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे, पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। दिए गए विकल्पों में से यदि हम उस पेंसिल से रेखा बनाएं, जो यहां पर विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सी पेंसिल से यदि रेखा बनाई जाए तो अधिक काली होगी। पहला विकल्प है HV, दूसरा विकल्प है H और तीसरा विकल्प है 2B, चौथा विकल्प है यहां पर 2H। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, या प्रश्न में आ जाए कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं सर्वाधिक काली होंगी, तो राइट आंसर क्या है, यहां पर राइट आंसर है 2B। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं। पहला विकल्प है बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा विकल्प है हिंदू धर्म और चौथा विकल्प है इस्लाम धर्म। तो राइट आंसर क्या होगा कि राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हिंदू धर्म पर। किस, हिंदू धर्म पर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको चित्रकला विषय के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।